तो भाई लोगों फाइनली जो है WCC 3 का न्यू अपडेट आ चुका है, और ये कोई छोटा अपडेट नहीं है, ये एक बड़ा अपडेट है। ये जो है 230 MB का अपडेट है और काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इस अपडेट के अंदर। तो फुल डिटेल के साथ रिव्यू करूंगा इस वाली वीडियो को, एंड तक बने रहना और आप सभी लोगों को फुल डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो भाई लोगों सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर जो है आप सभी लोगों को बॉल जो होता है, यहाँ पर आप पहले खेलते थे तो अलग बॉल हो, जैसे कि दूर बॉल है फिर भी आपने वही जगह पर शॉट खेल दिया तो वो जो है बल्ले पे लग जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर गेंद दूर है और आपने ठीक तरीके से फुटवर्क का यूज़ नहीं किया तो आपका शॉट नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इस गेम के अंदर ये इम्प्रूवमेंट कर दिया है, गेम प्ले के अंदर इम्प्रूवमेंट केमनी ने कर दिया है यहाँ पर। अब WCC 3 के अंदर भी फुटवर्क का इस्तेमाल आपको ठीक तरीके से करना पड़ेगा, तभी आप सभी लोग इसके अंदर शॉट वगैरह खेल पाओगे। उसी के साथ ही आप सभी लोगों को गेम के अंदर जो है अंपायर की जो यहाँ पर जर्सी है उसे चेंज कर दिया गया है। उसी के साथ ही अंपायर के जो फोर्स और सिक्स चौके वाले कुछ एनिमेशन भी न्यू ऐड किए गए हैं। यहाँ पर मैंने देखा था कि सिर्फ मुझे एक फोर्स का एक ही न्यू अपडेट देखने को मिला था, यानी कि एनिमेशन एक देखने को अलग मिला है। बाकी मैंने बहुत देर गेम को खेला और बाकी सिक्स वगैरह LPW के अंदर कोई भी न्यू एनिमेशन अंपायर का नहीं देखने को मिला है, जर्सी चेंज हुआ है। और उसी के साथ ही हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर अगर नो बॉल होगा तो भी यहाँ पर जो है अलार्म बजेगा, जैसे रियल क्रिकेट 22 में बजता है, तो ये भी एक चेंज कर दिया गया है कंपनी ने इसके अंदर। साथ ही आपको कुछ एनिमेशन नहीं देखने को मिलेगी, जैसे बॉल को लेना, उठा के फेंकना, वो सारी चीज़ें होती हैं ना एनिमेशन वगैरह, उसके अंदर भी कुछ आपको अलग कुछ एनिमेशन देखने को मिलेंगे। और गेम प्ले से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी तो गेम प्ले के अंदर फाइनली यहाँ पर जो है कंपनी ने चेंज किया गया है। साथ ही जो जितने भी स्टेडियम वगैरह है उसको जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जो भी चेंजेस हो रहे थे पीछे तरफ आपको जो है हाई ग्राफिक जैसे नहीं लग रहे थे तो यहाँ पर इसको ठीक ठाक कर दिया है। जो लाइन होती है वहाँ पर आपको जो है क्लियर ही देखेगा स्टेडियम, और जो ब्लर वगैरह हो जा रहा था वो तो अभी भी हो रहा है, बट स्टेडियम वगैरह के अंदर भी कंपनी ने जो है इम्प्रूवमेंट किया है। अब देखिए कटसीन वगैरह से रिलेटेड गेम के अंदर कमी अपडेट आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंपनी जो है अब गेम प्ले के ऊपर ध्यान देगी और आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल ही ज़बरदस्त इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और उसी के साथ एक और न्यू फीचर आया हुआ है जो कि है बॉल का पीछे जो लाइन होता है ना, हम शॉट वगैरह खेलते हो तो बड़ा सा एक लाइन हो जाता है वाइट कलर का, अब उसे भी आप रिमूव कर सकते हो, सेटिंग में जाकर भी कर सकते हो जैसे हम रियल क्रिकेट 22 के अंदर करते हैं। तो बड़ी अपडेट है, अच्छा अपडेट है, लेकिन इस अपडेट के बाद गेम प्ले जो है थोड़ा सा बहुत ही स्लो हो चुका है, गेंद जाती नहीं है। फील्ड के अंदर जब गेंद जाती है तो बिल्कुल ही स्लो में जाती है, चौका नहीं मिल पाता है, पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, फास्टेस्ट जाती थी लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही स्लो जाती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन शायद आगे अपडेट में हमें ज़बरदस्त परफेक्ट कर देगी कंपनी। और ये अपडेट अच्छा है WCC 3 फैंस के लिए, बढ़िया अपडेट है, गेम प्ले से रिलेटेड अपडेट चाहिए था, मिल चुका है। पहले जितने रन नहीं बना सकते हम इसके अंदर, अब थोड़ा सा हार्ड हो चुका है गेम प्ले। बाकी ये छोटा सा रिव्यू आप सभी लोगों को बताया है मैंने, और भी इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप सभी लोग बता दूंगा। तो अभी तो गेम प्ले से रिलेटेड कंपनी ने सिर्फ एक छोटा सा अपडेट दिया है, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप सभी लोग बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन को भी जरूर से दबा देना। तब तक के लिए खुश रहना, ख्याल रखना, अपना जय हिंद जय भारत।